Hey everyone, welcome back to Chat and Chat. मेरे नाम जोश है. मेरा नाम केदारनाथ है. और हम चुप चुप के देख रहे हैं. ये पार्ट टू है. तो अगर पार्ट वन मिस हो गया फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक मिल सकते हैं और देखकर वापस आइए पार्ट टू के लिए. And just as a reminder, I'm trying my best to speak in Hindi, क्योंकि इनको English नहीं आते, तो इसलिए हिंदी में बात करने की कोशिश करूँगा, और लेकिन कभी-कभी गलत हो जाता है, कहता हूँ कुछ, तो माफ कीजिए, क्योंकि mistake हो जाती है, गलती हमसे भी हो सकती है, सबसे हो सकती है, हम तो इंसान हैं ना, इंसान से गलती होती है. And we can only show small portions of the film at a time here on YouTube, so think of this more like a highlight reel. So if you want to watch the unedited version with us, then you can head over to our membership page by clicking the join button below this video, where you can gain access to this watch along. You will need your own copy though, but it's easy because it's on Netflix. We will give you a countdown, 3, 2, 1, play, and it'll be easy to sync up. We show little portions of the video throughout the way, so you can stay on track, and it'll be like we're watching together. और अगर आप तक नहीं किया, subscribe करो, share करो, और like button पर तब तक करना. भतीजा है. कैसा संदेशा पिताजी? अरे ये कैसे गरबा कर रहे हैं? संदेशा, ये देखो, श्रुति दिक्री की शादी तय हो गई. पूछ रही है दहेज में उन्होंने हमारी कितनी जायदाद मांगी है. तुम उसकी चिंता मत करो दिक्री, वो मंगल संभाल लेगा. लो मुंह मीठा करो. दहेज प्रथा तो बरसों से चली आ रही है, कोई आज की बात थोड़ी है. एक बार जायदाद उनके हाथ लग गई तो वो उन पर एक बोझ बनकर रह जाएगी. तुम्हारे भैया को पता भी ना चले और तुम्हारी शादी भी टल जाए, ऐसा एक तुक्का है मेरे पास. दांत क्यों दिखा रहे हो? नहीं वो मैं प्रेम पत्र नहीं लेता, मुझे शर्म आती है. ओह मैन, क्या है ये? हिंदी में तो लिखा है. वो तो मुझे भी समझ में आता है. हूँ श्रुति नो आशिक. संदेशा है, गुजरात पहुंचाना है. हेलो, जयचंद राठौड़ बोलू छू, तमे कौन? अने श्रुति नी साथ लगन करवानी कोशिश करी? हाँ. तो अमारा बन्ना नी लाश तने मंडप मा जोवा मंचे, समझी? मतलब मंडप में मार देंगे सबको, पिटाई कर देंगे. और तुम दोनों का चक्कर 2 साल से चल रहा है. हा? और तुम दोनों एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते. अच्छा, और अगर जयचंद और श्रुति की शादी हो गई तो तुम दोनों की लाश वो इसी मंडप में पाएगा. क्या? अरे फिर तो दोनों की शादी टूट जाएगी. हाँ, ऑफ कोर्स टूट जाएगी, और इसकी जिम्मेदार तुम होगे. ए देखो, ये तो पापा 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 है. हाँ, पापा पापा पापा, यहीं रोक दो, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि तुम बोल सकते हो तो तुम. ओए, ओ नो, ओ नो, फिर ये सुपर ले यार. हाँ, फिर सोचेंगे, है ना? ओए ओए, गुजरात समाचार आवे छे? नहीं नहीं नहीं, मैं प्रेम संदेश की बात कर रहा हूँ, अखबार की नहीं. अखबार એટલે શું? અમે બે વર્ષથી પ્રેમ જ છીએ. અમે બધા એક બીજા વગર જીવને ચકે, અને જો કોઈ માઈકલ લાલ પાછો આતો. ઓ નો, ઈ કોણ હતો? કોણ હતો? આ મારી વાત સુનો. Wow, he's quick to anger, man. He's kicking the crap out of this guy. Oh, jeez. He doesn't even give him a chance to speak. किसने कहा था तुझे करने के लिए? बताओ, बताओ वरना जान से मार दूंगा तुझे. बताओ. Okay, मेरी बात सुनो. वो बोल नहीं सकता, गूंगा है. Oh, it's like, crap, I just beat up a deaf person in front of everyone. ये हमारी श्रुति की तरह बेजबान है. उतर गया. रात को मुझ पर किसी ने चिट्ठी फेंक दी. Yeah, and you just messed him up hard because of it. Oh, he didn't even apologize. क्या समझते वो लोग?
मेरी बहन मुझ पे बोझ है, इसे मैं से फेंक दूंगा। मुझे पैसों की कोई फिक्र नहीं, मैं चाहता हूं तुझे ऐसा लड़का मिले जो तुझसे प्यार करे, तेरी दौलत से नहीं। वो दुनिया में जहां भी हो मैं उसे ढूंढ लाऊंगा। उस पहलवान का पहला गुस्सा पड़ते ही मैं समझ गया था ये हाल होने वाला है। अब तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं, आज ही रात तुम यहाँ से चले जाओ। 500 चलेगा क्या? 13 लाख। उस पहलवान ने मुझे जैकी चैन की तरह 400 पास। जैकी चैन की तरह? आपको पता है जैकी चैन कौन? हाँ, चाइना का हीरो। हाँ, अच्छी फिल्में करता वो। बस इतने ही? 13 लाख? ये तो बहुत कम है। 13 लाख ऐसा है क्या? अगर पूरे 15 लाख दे दूं तो क्या? तो सादा पक्का? एकदम पक्का। ए, ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत कर। अगर भैया को पता चल गया कि तू बोल सकता है ना, तो तुझे जैकी चैन की तरह नहीं माइक टाइसन की तरह पीटेंगे। बॉक्सर? बॉक्सर। सुबह तू यहाँ पे दिखना नहीं चाहिए। ए शानी, रुक। ए शानी, रुक। मिला ले। उसके बाद जवाब तू ही देना, और अगर मेरी हट गई ना तो मैं उनसे ये भी कह दूंगा कि तुझे इस बात की जलन थी कि वो लोग सिर्फ उसकी शादी के बारे में सोच रहे थे, तेरी नहीं। इससे उनको ये भी शक हो जाएगा कि इससे पहले वाली शादी टूटी है ना, वो भी तेरी वजह से ही टूटी है। और अगर गलती से मेरा मुंह खुल गया ना, तो तेरी हैप्पी दिवाली शुरू। पटाखे। यस। बूम। गुड नाइट। बूम। गुड नाइट। माइक ड्रॉप। कुत्रो। साला कुत्रो। गुंडिया भाव, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, शांत हो जाओ प्लीज। मैं तो यहां पे युद्ध करने आया हूं। युद्ध? युद्ध? गुंडिया भाई, गलती हो गई। गलती हो गई? साला ये कोई जवाब है? ये गुंगे मेरे को इतनी बुरी तरह से पीटा और बोलता कि गलती हो गई। मछुआरे का बच्चा रोता है तो माँ क्या बोलती है पता है? सो जा, नहीं तो गुंडिया बाबू आ जाएगा। गुंडिया बार सुना है? देखा, इसने भी सुना है। अरे बोला तुम्हारे मंगल पंगल का बोला ना। जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ, उससे जो हुआ वो एक भूल थी जिसका मैं प्रायश्चित कर चुका हूँ। हेलो सर। उत्तर। ओ वाह। 20,000 सैलरी, ठीक है ना? दोबारा 20,000 का सैलरी है। संभाल के रखना, यहाँ से हिलाना भी नहीं। हाँ, मैं 1 तारीख को आऊंगा और ये ठीक है जाऊंगा। चोर स्त्री गायब। व्हाट? क्यों जला दिया उसको? वो पैसे मांग रहा है, पैसे ले मांग रहा था। फिर भी वो चीज तो महंगी है, आयरन वाली चीज। जी नहीं मिला। ओ, ये भी ओ लड़के को जानता है। वसूल नहीं कर सकते उत्तर की? जब मैंने इसे इस गांव की वसूली की जिम्मेदारी सौंपी थी तभी मैं समझ गया था। ये तो वही आ गया फिर। मंगल से छुपा कर चुप चुप के मैं तुम्हें इतने सारे पैसे देता हूँ और तुम मुझे ही डुबा रहे हो। नहीं, नहीं, इसलिए इंश्योरेंस वाले पैसे नहीं दे रहे। झूठ, बकवास कर रहा है उसका बाप। उसका बाप पैसे खा गया होगा। जाकर उसके बाप का गला दबोचो, फटाफट पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। बताओ। गला दबाना तो कुछ नहीं, लोगों ने उसकी हालत इससे भी ज्यादा खराब कर दी है। बीच बाजार में उसकी धोती उतार दी, घर पे पत्थर फेंके। अब तो लोग बोल रहे हैं अगर उसने पैसे नहीं दिए तो उसका घर जला देंगे। भाई साहब, ओ धोती वाले भाई साहब, सुनिए, मैं प्रभात सिंह चौहान की बेटी मीनाक्षी। आप क्या किसी जीत नाम के लड़के को जानते हैं? उसकी कोई तस्वीर होगी आपके पास? कहीं भी उसकी लाश मिल जाए, उसको पहचानने के लिए सबूत के तौर पर मैं हमेशा उसका फोटो रखता हूँ अपने पास। ये देखो। हाँ, पटल चल गई, फंस गया। धोखा दिया उसने, भरोसे के लायक नहीं है वो। झूठ पे झूठ बोले जा रहा है और वो गुंडिया भाव का कुछ भी नहीं लगता है। उसके पिताजी स्कूल के हेडमास्टर है और उनको भी नहीं छोड़ा उसने। उतर गए। सपने में देख, सपना ले रहा है। काम होता है, ऑफिस के लोग छुट्टी लेकर चले जाते हैं। ये रोकड़ा शाम के 5 बजे तक मेहता साहब के पास नहीं पहुंचा तो खटिया खड़ी हो जाएगी, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, समझे? अरे मैं तो सीख गया, बड़ा आसान है। ये लो, गले से गिन लो,
बराबर है कि नहीं? और आ जाओ। वो चुपचाप से देख रहे। हाँ, ये है फिल्म का चुप चुप के। चुप चुप के। ढूंढते हैं। तुम लोग फिक्र मत करो, काका जी आ जाएंगे। छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, वो अच्छा हुआ कि कन्हैया साथ में था, उसने बचा लिया, मुझे अस्पताल लेकर गया। फिर जिसको पैसे पहुंचाने थे उसको पैसे पहुंचा के आया, फिर वो दवाई लेने गया, उसके बाद वापस ही नहीं आया। क्योंकि पुलिस पकड़ ली ना, और पुलिस वाले तो मारे उसको। फिर से लगता है उसको बहुत पसंद। लेकिन इसके गर्लफ्रेंड तो है घर पे ना, तो हमने सोचा कि कि मैं पैसे लेकर भाग गया। जयदेव प्रसाद मास्टर जी के बेटे ने सब कुछ सीखा, लेकिन चोरी करना नहीं सीखा, और ना ही मुझे किसी को धोखा देना आता। अगर आता तो मैं आज इन हालात में नहीं होता। मुझे वहां जाना होगा, क्योंकि इंश्योरेंस के पैसे उनको तभी मिलेंगे जब वहां मेरी लाश पहुंचेगी। ये इंश्योरेंस तो मरने के बाद ही पैसा मिलेंगे, पैसा लेने के बाद बच्चों माँ बापों को तो परेशान होने पड़ता है। तो 36 लाख का घाटा कैसे हो गया? वो देखिए, हमने 35 लाख लोगों को कर्जे पे दिया, उस 35 लाख को वसूल करने के लिए 1 लाख रुपया और लग गया। तो कई बार मुझे अस्पताल के चक्कर काटने पड़े, वो मतलब पिटाई होने थी। इनी माँ ने, मुझे लगता है इसके पहले के मंगल को पता चले मुझे सारे धंधे बंद करने होंगे। मंगल भैया को कुछ मत कहना है? वो तुम जो कहोगी वो मैं तुमको दूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, पहले आप ये आलतू फालतू के धंधे बंद करो और कुछ बड़ा सोचो। करूंगा, इसलिए मेरी बात मानो पिताजी, और आप अपनी फाइनेंस कंपनी की नई शुरुआत श्रुति के हाथों से ही करवाओ। लेकिन कैसे? मेरी बात ध्यान से सुनो, आप अभी श्रुति को 13,90,000 दे दो। 13,90,000 सारे वापस लौटा देगी। दे दो पैसा दे दो। वैसे भी हर साल हम बार पैसा देकर घाटा ही करते हैं ना। ओके ये चले वाला बन गया स्मार्ट। मुझे नहीं पता था मैं इतना खूबसूरत लगता हूँ। हाँ, वो मास्टर जी के बेटे का नाम क्या है? मरा हुआ जीतू। अरे मरा हुआ बोलने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ जीतू बोलो काफी है। काफी है तो ठीक है। तुम कौन हो? बांडिया। तुम जीतू के कौन हो? मैं मरे हुए जीतू का लंगोटिया यार हूँ। एक बात बताओ, ये मरा हुआ जीतू दिखता कैसा है? क्यों, तुम्हें क्या? नहीं क्या है ना, अगर वो रास्ते में कहीं मिल जाए तो बैग वहीं पकड़ा दूंगा। इतनी पालतू कुत्ते की तरह सिर्फ ये बैग देकर मत लौटाना, जीतू के बारे में जितनी जानकारी मिले सब हासिल करके लाना। She's like, it's so futile. तो आप हैं जयवेद प्रसाद जी, आपको क्या चाहिए? मुझे ऑल एंड सोल कंपनी के मालिक ने भेजा है, यानी कि मरे हुए जीत के पार्टनर ने। पैसों का मामला है। हाँ, आपको कैसे पता? तो आप भी भीड़ में खड़े हो जाइए, ये घर जलाने के लिए इकट्ठा हुए हैं सब लोग। क्या, घर जलाने? हाँ, जाइए इन लोगों के साथ खड़े हो जाइए। छोटा बैग क्यों लाया, बड़ा ट्रक क्यों नहीं लाया? चलवे, हमारी तरह हम भी पैसा लेने के लिए खड़े हैं। हम कोई लल्लू नहीं है। अरे नहीं नहीं, मैं पैसे लेने के लिए नहीं, मैं पैसे देने के लिए आया हूँ। देखो इस बैग में है। कंपनी का दिवाला निकल गया फिर भी मुनाफे में चल रही है, तो उस मुनाफे में मरे हुए जीत का जो हिस्सा है ना, वो इस बैग में है। कितना है? कितना है ये मुझे नहीं मालूम, मुझे तो बैग पहुंचाने के लिए बोला। तो खोल ले बेवकूफ, खड़ा क्यों? खोल ले, खोल ले, देख ले, खोल। आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि
प्यार करती है। मुझे जब भी दुख होता था मैं भगवान को याद करता था, मन्नतें मांगता था, लेकिन उसने मेरी कभी नहीं सुनी। फिर मुझे लगने लगा कि वो है ही नहीं। अब लगता है। एक बार हाथ जोड़कर नमन करने की इजाजत दीजिए। मैं हूं मोहन राव, देख लिया, चले जाओ। जी धन्यवाद। चिट्ठी तो दी नहीं। क्या है? मैं मतलब मरे हुए जीतू का लंगोटिया यार हूँ। क्या था? थी मतलब जो जिसको पता नहीं होता तो ऐसे ये बाजा बोलते। हाँ हूँ। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? वो यहाँ नहीं रहती, उसे मिलना है तो जाओ उसके पति के घर। पति के घर तो शादी हुई। अब उसके बारे में एक भी लफ्ज निकाला ना तो वही क्या कहाँ फंस गया मैं। भगवान। ओह नो, कुछ कहेंगे? क्या पूछा तुमने? तू तो भी कह रहा लगोटी यार। तुम जीतू के क्या लगते हो? तो तुम्हें पता नहीं है कौन है? कहता था कि पक्के दोस्त लगोटी है यार। जीतू मतलब लगोटी है। मुझे माफ करना है दोस्त। अंकल हैं ही गरम मिजाज के। चलो ये तो अच्छा हुआ कि पूजा ने शादी कर ली। मैं भी हमेशा यही प्रार्थना करता था, वो जहाँ भी रहे खुश रहे, मेरे लिए तो इतना ही काफी। तुमने उसके पति की तस्वीर देखी? तस्वीर? एक जो तस्वीर देखी उसका दर्द अभी तक गया नहीं है। हेलो, ये पूछ रही, अब तो तुम्हारी सारी मुश्किलें हल हो गई हैं, तो अपने गांव जाके सबसे मिल क्यों नहीं लेते? मैं मर गया हूँ यही सोचकर आज उसने शादी की। अगर मैं वापस गांव गया और उसने मुझे जिंदा देख लिया तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि मैं गाँव कभी वापस नहीं जाऊँगा, कभी नहीं। She's in the, why not marry me then? तो मैं इसकी शादी तुमसे करा दूँ? हाँ? हैं? Oh, shut up, mate. ये तो तुम्हें बहुत पसंद करती है। हाँ? तुम्हें पसंद है या नहीं? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है कि पसंद नहीं है, पसंद है। अच्छा, तो ये है मजनू की मन की बात। हाँ? छोटे बच्चे बन गए ना। मैं इतनी आसानी से फंसने वाला थोड़ी हूँ। आप कपड़े गंदे फिर से होगा। वो सारे वादे उसने पूरे कर दिए जो उसने किए थे, बस एक वादा रह गया। वो लड़की यहाँ रह रही है इसके घर में, क्यों बताओ? विधवा बनके क्या वो मर गया ना उसका? तो ये व्हाइट कपड़े पहनते हैं इंडिया में जब ऐसा होता। जो उसने मेरे गले में नहीं बांधा, वरना मैं तो उसी की थी। लेकिन तुम्हें अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है। कम से कम मुझे इतना अधिकार तो दीजिए कि मैं जीत की विधवा बनकर जी सकूं। ओह गर्ल, यस, तभी इसने वाइट कपड़े पहने हुए। जानता हूँ, समझ गया। बहुत अच्छा लिखा है। किसके बारे में लिखा है? और क्या? Come on, man. हिरन? नहीं? अरे ये दो। मुझे बंदर बुला रही थी। इशारा। I love you. Yes. लगते हैं। हाँ। I love you. L? Or you? I L U. I love you. Wait. I L love you. Love you.
ये क्या देख रहा है ना. Okay, we're going to take another break here. That was part two. Be sure to join us back for part three. And if you haven't already, please be sure to subscribe, share, a like button, but tap it, man.